Everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video, we are going to continue with our book, Class 7 Engaging English, and the chapter is Chapter Number Five, Where Tigers Swim, which has been written by Bitu Sehgal. Now, Bittu Sehgal is a very renowned name when it comes to env uh, env uh, environmentalists. एंड uh, जो कंजर्वेशन के लिए जो काफ़ी सारे एफर्ट्स लेते हैं एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जब भी कोई बात होती है तो बिट्टू सहगल क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिन्होंने पहली बार वाइल्ड लाइफ मैगजीन्स को स्टार्ट किया था इंडिया में सो हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइगर्स अ माइटी टाइगर यहाँ पे एक इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं जहाँ पे किस तरीके से जो हमारे राइटर हैं वो एक माइटी टाइगर से मिलते हैं उनका जो एनकाउंटर होता है वो कैसा कितना रोमांचक होता है दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर अलोंग विथ कि जो टाइगर्स जो है आज के मतलब टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है यस वी नो दिस लेकिन वो अब एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है जो खतरे में है जो कि लुप्त तो होती जा रही है वाई बिकॉज ऑफ द पोचर्स बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली किलिंग दैम हंटिंग फोर दैम उनकी स्किन के लिए उनके नेल्स के लिए एंड वॉट नॉट सो अब हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें इट्स नॉट लाइक फैंटसी यहाँ पे एक रियल स्टोरी डिस्कस होने वाली है तो रियल स्टोरीज तो हमेशा इंटरेस्टिंग होती है तो पहले हम अपने जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिट्टू सहगल ही इज़ लाइक स्टिल ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन इज एन एन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड राइटर सो ही इज़ एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और एक राइटर हैं ये इन 1981 ही स्टार्टेड सेंचुरी एशिया इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन मैगजीन 1981 में स्टार्ट किया था उन्होंने इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल एनवायरमेंट कंजर्वेशन मैगजीन मतलब एक ऐसी मैगजीन जिसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगे कि जो आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके कितने नंबर्स हैं कितने जो हैं उनको मतलब जो पोचर्स के कारण कितने किल हो गए हैं क्या अभी करेंट स्टेटस है किस तरीके से न्यू स्पीशीज़ जो हैं अगर कोई आ रही तो एवरी रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट और ये जो था उन्होंने उसका नाम था सेंचुरी एशिया क्या नाम था इस मैगजीन का सेंचुरी एशिया अब अगर आपकी टीचर हो सकता है एमसीक्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चन भी दे दे ही हैज़ को ऑथर्ड बुक सच एज इंडिया नेचुरली अब इन्होंने को ऑथर किया है को ऑथर का मतलब होता है जब कोई एक लिख रहा है उसके साथ आप भी अपने इनपुट्स दे रहे हो तो दो लोगों ने मिल के एक बुक को अगर लिखा है तो उसे हम बोलते हैं को ऑथर्ड तो नाम था बुक का इंडिया नेचुरली एंड द भरतपुर इन्हेरीटेंस इन्हेरिटेंस का मतलब क्या होता है जैसे कि नॉर्मल जो वर्ड है इनहेरिट इनहेरिट का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी के मरने के बाद तो उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी होती है वो कौन इनहेरिट करेगा मतलब वो किसके नाम पे आएगी जैसे कि यूजुअली क्या होता है राजा के मरने के बाद उसकी जो पूरा जो उसका किंगडम होता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी होता है वो उसका सन इनहेरिट करता है तो इनहेरिट का मतलब होता है उसके नाम पे हो जाना सारा सब कुछ ओके तो यहाँ इनहेरिटेंस का मतलब है भरतपुर का इनहेरिटेंस वहाँ उसकी जो वाइल्ड लाइफ है उसका जो फ्लोरा एंड फोना है वो उसकी प्रॉपर्टी है तो इसीलिए भरतपुर इनहेरिटेंस मतलब भरतपुर की प्रॉपर्टी भरतपुर का पूरा जो है एक तरीके से राजकोष ही फाउंडेड किड्स फॉर टाइगर अ प्रोजेक्ट दैट ट्राइज टू इन्वॉल्व स्कूल चिल्ड्रन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस बट दिस हैज़ बीन अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट जो था किड्स फॉर टाइगर तो जैसे बच्चे जो हैं वो हमारी जितने भी जैसे प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और शायद बड़े लोगों से ज्यादा समझदार भी होते हैं इसीलिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जहाँ पे किड्स क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए उसको इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने जो है स्टार्ट किया था ही कमेंस दिस प्रोजेक्ट नाउ अब हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देर इज अटल इन्फॉर्मेशन लेट्स रीड इट हैव यू एवर सीन अ टाइगर इन द वाइल्ड क्या आपने कभी भी जंगल में किसी टाइगर को देखा है द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल रॉयल Bengal टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है बट ड्यू टू ह्यूमन neglect एंड cruelty, दे आर एन endangered स्पीशीज today. लेकिन जो humans की neglect negligence की वजह से नेग्लिजेंस की वजह से मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और उनकी क्रुअलिटी की वजह से मतलब जो वो कंटिन्यूसली हंट कर रहे हैं हंट क्यों कर रहे हैं सिर्फ अपनी माइट दिखाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए सो यू हैव अ गन एंड यू हैव हिट अ टाइगर व्हाट्स द बिग डील लेकिन लोग करते हैं ये काम कभी उनकी जो टाइगर की स्किन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है उसके नेल्स जो होते हैं सो उसका जो जो उसका मीट होता है ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है और इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा हाई रेट पे बेचा जाता है सो जस्ट टू अर्न अ फ्यू बर्ग्स जो पोचर्स होते हैं वो इनको किल कर देते हैं दे शो देर रोअलिटी जर्ड स्पीशीज टूडे तो इस क्रुअलिटी की वजह से जो हमारा नेशनल एनिमल है रॉयल बेंगोल टाइगर वो आज की डेट में एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में है इन डेंजर ओके दिस अकाउंट इज टेकन फ्रॉम द बुक द सुंदरबंस इनहेरिटेंस तो यहाँ पे जैसे हमने भरतपुर इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था जो कि एक बुक थी सिमिलरली ये जो चैप्टर आपका है इसका जो एक छोटा सा मतलब ये एक बुक से लिया गया है ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है ये कौन सी बुक से लिया गया है द सुंदर वंश इन्हीटेंस इट नॉरेट्स द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटरिंग द मैग्निफिसेंट बीस्ट तो इसमें इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे दो तरीके के इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं जो ऑथर ने एक्सपीरियंस किया है एक तो द ऑथर्स एक्सपीरियंस ऑफ एनकाउंटरिंग दिस मैग्निफिसेंट बीस्ट ये जो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव बहुत ही पावरफुल बीस्ट है ये किसकी बात कर रहे हैं हम रॉयल बंगाल टाइगर की इसके साथ उनका जब इनकाउंटर हुआ मतलब जब उन्होंने उसको आग, सामने सामने देखा तो वो जो इनकाउंटर था उनका एक तो एक इंसिडेंट उसके बारे में है और दूसरा इंसिडेंट है हाउ द टाइगर्स हैबिटेट इज श्रिंकिंग ड्यू टू ह्यूमन इंट्रीशन और ह्यूमन इंट्रीशन के कारण किस तरीके से जो टाइगर का हैबिटेट है मतलब उसका जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक होता जा रहा है उसका घर छोटा होता जा रहा है एक टाइम पर जो वो एकदम फ्रीली घूम पा रहा था आज उसके पास बहुत कम जगह है इंट्र्यूशन का मतलब क्या होता है द एक्ट ऑफ रॉन्गफुली एंट्रिंग अपॉन आप किसी के घर में जब बिना रीज़न के गलत तरीके से घुस जाते उसे बोलते इंट्रूजन तो जो आपका ये इतना बड़ा फॉरेस्ट होता है ये किसका घर है ये उन टाइगर्स का घर है और जब हम वहाँ पे अंदर चले जाते हैं भले हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए हमको बिल्डिंग्स बनाने के लिए लैंड चाहिए फॉर सम और अदर रीजन हम वो जो फ़ॉरेस्ट हैं उनको डिप्लीट करते जा रहे हैं तो हम उनके घर में इंक्रूड कर रहे हैं जिसकी वजह से आज वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन गए हैं नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर जैनवरी टू थाउजेंड वन सो दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट दिस बिलोंग्स टू जनवरी टू थाउजेंड वन इट इज थ्री इन दफ्टरून एंड हेयर एज आई स्टैंड बिहाइंड प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट इट इज थ्री इन दफ्टरनून मतलब दोपहर के तीन बज रहे हैं एंड ब्रिस्क ब्रीज ब्रिस्क का मतलब क्या होता है कोल्ड बट रिफ्रेशिंग मतलब जोर से जो हवा चलती है लेकिन कोल्ड है लेकिन अच्छी रिफ्रेशिंग हवा है इट विप्स माई हेयर वो मेरे हा जो बाल हैं उनको ऐसे उड़ा दे रही है विप्स मतलब जैसे बहुत जोर से हवा चलती है तो किस तरीके से आपके बाल जो हैं वो उड़ जाते हैं विप का एक्चुअल मतलब क्या होता है स्ट्राइक और बीट वायलेंटली तो इट स्ट्राइक्स हिज हेयर एज आई स्टैंड बिहाइंड द प्रो ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट अब प्रो का मतलब क्या होता है द पॉइंटेड फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप तो अगर सो इफ सपोज दिस इज योर शिप ओके आई हैव मेड अ वेरी बैड शिप बट आई एम जस्ट सेग ये जो नहीं यार शिप ऐसी नहीं होती शिप ऐसी होती है ना तो ये जो आगे का जो पार्ट होता है ना दट एकदम जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है जैसे ये अगर इस तरीके से तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं प्रो एकदम जो टिपरी होती है सो हीओ एज आई स्टैंड बिहाइंड द प्रो ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट अब पेट्रोल का मतलब क्या होता है गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल नहीं पेट्रोल का मतलब होता है मॉनिटर करने के लिए तो कुछ जो होती है जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बोट्स होती है जहाँ पे उनको इंस्पेक्शन करना होता है मॉनिटर करना होता है कि कहीं कोई पोचस तो नहीं है सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये मॉनिटर करने वाली जो बोट होती है इसको आप पेट्रोल बोट कहते हो सो नाउ ही सेंग दैट एट थ्री इन द आफ्टरनून जब वो वहाँ पर पे एक पेट्रोल जो प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट है उस प्रोजेक्ट टाइगर पेट्रोल बोट में वो सबसे आगे बैठे हुए थे और हवा इतनी रिफ्रेशिंग थी जो उनके

चार्टेड का मतलब क्या है डिटेल्ड और आउटलाइंड तो मैंने पूरा डिटेल बना लिया था कि आज मुझे पहले जैसे मेरे को पेट्रोल बोट में इतने देर तक मुझे मॉनिटर करना है या उसके बाद मुझे क्या करना है उसके मेरा दिन किस तरीके से रहेगा तो पूरा जो प्रॉपर आप प्लानिंग करते हैं उसे कहते हैं चार्टेड करना सो हियर ही सिटिंग ऑन दिस पेट्रोल बोट एंड यू नो क्रॉसिंग द नेटी धोपानी रिवर एंड ही इज़ ऑल प्लान्ड आउट कि उन्हें क्या करना है Happy to be alive. I see a dragonfly and a common wanderer butterfly navigate the strong wind to cross our boat's path 100 meters from the shore.

सो उसने एक विंड शीटर को पहन लिया आई मार्वल एट द मैजिक ऑफ नेचर मार्वल का मतलब होता है बी फिल्ड विद वंडर or astonishment। Now ही he लुकिंग एट द ब्लू ग्रीन green एंड द the butterflies एंड द ड्रैगन फ्लाई तो वो मार्वल मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हैं लुकिंग एट flying अमेजिंग फ्लाइंग gift such fragile creatures with their amazing flying capabilities कि किस तरीके से जो नेचर है नेचर ने ये छोटे-छोटे क्रिएचर्स को अमेजिंग फ्लाइंग कैपेबिलिटीज दी हुई हैं बेसिकली ही वाज जस्ट एडमायरिंग द नेचर अबाउट 250 मीटर्स अहेड ऑफ आवर वेसल आई स्पॉट अ फ्लोटिंग लॉग अब हमारी जो वेसल थी ना वेसल का मतलब होता है एक बड़ी सी बोट जो शिप होती है बोट होती है उसे आप कहते हो वेसल तो उसने क्या कहा हमारी वेसल से ढाई सौ मीटर दूर ऑलमोस्ट ढाई सौ मीटर दूर मैंने क्या देखा एक फ्लोटिंग लॉग मुझे लगा एक लकड़ी का टुकड़ा है फ्लोटिंग लॉग मतलब जैसे लकड़ी का जो तना होता है ना जो कटा हुआ इस तरीके से जैसे ये लॉग है तो एक लकड़ी का जो तना है वो शायद पानी में फ्लोट कर रहा है वी आर मूविंग अगेंस्ट द करेंट अबाउट थर्टी मीटर्स फ्रॉम श्योर अब हम लोग जो थे करंट के अगेंस्ट में चल रहे थे जैसे अगर पानी का बहाव यहाँ है तो हम बोलते हैं करंट इस साइड में है तो आपकी शिप अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आप बोलते हो कि यू आर मूविंग अगेंस्ट द करेंट सो वी आर मूविंग अगेंस्ट द करेंट अबाउट थर्टी मीटर्स फ्रॉम शोर तो हम शोर से सर थर्टी मीटर्स दूर थे आई वॉच द लॉग इन अ डिस इंटरेस्टेड वे मैंने लॉग को बस यूं ही देखा कि भाई होगा कोई लॉग यू नो एक लकड़ी का टुकड़ा है तैर रहा होगा वेटिंग फॉर इट टू ड्रिफ्ट क्लोजर टू आ बोट और मुझे लगा बस वो आएगा और वो थोड़ा सा मतलब ऐसे डिसइंटरेस्टेड तरीके से देख रहा था कि शायद थोड़ा पास आएगा तो फिर मैं और देख लूंगा दैट नेवर हैपन्स लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है Instead आई बिगिन टू नोटिस दैट इट इज मूविंग एट अ 90 डिग्री एंगल टू अस एंड टू द पावरफुल current. तो उसके बाद उसने उसने नोटिस क्या किया दैट वो जो भी बह रहा था वो जो लॉग जो उसे लग रहा था इट वॉज मूविंग एट अ नाइन्टी डिग्री एंगल टू अस तो अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे थे तो ये नाइन्टी डिग्री एंगल टू अस इस तरीके से वो मूव कर रहा था एंड टू द पावरफुल करेंट मतलब वो भी उस तरीके से जो है अगेंस्ट दैट पावरफुल करेंट वो मूव कर रहा था स्ट्रेंज एट अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर्स आई पीयर थ्रू माई बाइनक्यूल फाइनली पहले तो वो ढाई सौ मीटर दूर था जब वो अराउंड हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर्स दूर पहुंचा, तो जैसे उनकी बोट अगर ये है तो वो यहाँ पे उनको कहीं बहता हुआ दिख रहा था नाइन्टी डिग्री पे है ना दिस इज नाइन्टी डिग्री सो so, उनको वो बहता हुआ दिख रहा था तो आई पीयर थ्रू माई बाइनोक्यूल्स मैंने अपनी दूरबीन से देखा एंड सी अ स्मॉल राउंड शेप और मैंने एक स्मॉल राउंड शेप देखा सर्टनली नॉट अ लॉग नॉट दिस वॉज नॉट अ लॉग इट टेक्स मी अ फुल टेन सेकेंड्स टू रियलाइज दैट अ चाइल्ड हुड ड्रीम हैज़ कम ट्रू और मुझे पूरे थर्टी सेकेंड्स लगे ये जानने के लिए कि मेरा बचपन का सपना सच हो गया है आई एम इन द सुंदर बन एंड देर बिफोर मी इन फ्लैश एंड ब्लड इज अ वाइल्ड टाइगर मैं सुंदरबन में हूँ और मेरे सामने डेढ़ सौ मीटर की दूरी पे सुंदर बन का बेंगोल टाइगर है रॉयल बेंगौल टाइगर नो वन सीज टाइगर्स इन द सुंदरबन और आप जब सुंदरबन जाते हो टाइगर्स नहीं दिखते आपको एवरी वन नोज़ यू कम हेअर फॉर द एक्सपीरियंस और टू बर्ड वॉच और जस्ट टू एस्केप अर्बन लाइफ सबको पता है कि आप जाते हो टाइगर्स देखने के लिए आपको हार्डली कभी टाइगर्स दिखते हैं इफ़ यू आर एक्सट्रीमली लकी वरना लोग जो हैं सिर्फ अपनी जो डे टू डे अर्बन लाइफ जो होती है उससे छुटकारा पाने के लिए जाते हैं या तो वो बर्ड वॉच करने जाते हैं और या तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जाते हैं येट अगेंस्ट ऑल प्रबाबिलिटी दे शी इज लेकिन अगेंस्ट ऑल द प्रोबिलिटीज मतलब अगर आप देखना का एक्सपेक्ट भी करते हो तो आप जंगल में देखते हो पानी में कैसे देखोगे तो यहाँ कोई भी सारी जो प्रोबेबलिटीज थे उसके अगेंस्ट में दे शी इज द कैट्स हेड सिलोटेड एंड डार्क लाइक सम एंशंट गॉड तो यहाँ पे वो जो कैट थी इट वॉज लाइक एब्सोल्यूटली स्ट्रेट ऐसा लग रहा था मतलब आउटलाइड एज अ डार्क शेप अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड जैसे अगर लाइट के अगेंस्ट में आप खड़े हो तो किसी डार्क इमेज आती है तो उस तरीके से उसकी इमेज दिख रही थी लाइक like, ऐसा लग रहा था कोई एंशियंट गॉड है वो इज पर फाइव हंड्रेड मीटर्स टू आर लेफ़्ट फ्रॉम द फार शोर अब वो हमसे जो है पाँच सौ मीटर दूर है टू आर लेफ्ट फ्रॉम द फार शोर एज वी ड्रॉ नीयर जैसे हम पास आ रहे हैं आई कैन सी हर ईयर्स ट्विचिंग जैसे जैसे वो पास आ रही है तो आई कैन सी की उसके जो ईयर्स हैं वो ट्विच हो रहे हैं मतलब जैसे आप खतरा आपको लगता है कि कोई शायद डेंजर है या आपको कोई फॉलो कराए तो आपकी जो जो एनिमल्स होते हैं उनके ईयर्स ट्विच करते हैं मूव करते हैं

वो जो है जो बहुत दूर में जो बैंक था वो उसके लिए जा रही थी मतलब जो दूर में जो किनारा था वो उसकी तरफ जा रही थी बट देन टू surprise she सरप्राइज शी begins एंड swim बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर शी केम लेकिन फिर अचानक से मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी वो उसी डायरेक्शन में वापस जाने लग गई रि नाउ टेक्स द प्लेस ऑफ द प्योर जॉय आई हैड जस्ट एक्सपीरियंस ऑन सींग कैट तो अब जो था मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट आ गया बहुत सैडनेस आ गई अभी थोड़ी देर पहले मेरे अंदर जॉय था लेकिन अब मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारी बोट की वजह से वो जो इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रही है वो भी अगेंस्ट द करेंट मतलब अगर जैसे पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में ट्रैवल करना बहुत ईजी होता है क्योंकि आपको पानी हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए लेकिन उसके अगेंस्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है तो यहाँ पे अब उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही थी हाउ मच एनर्जी हैज़ दैट कैट ऑलरेडी स्पेंड स्विमिंग अगेंस्ट द पावरफुल करेंट वो जो कैट है उसने ऑलमोस्ट कितनी ज़्यादा कितनी सारी एनर्जी ऑलरेडी वो दे चुकी है क्योंकि वो करेंट के अगेंस्ट में जा रही है एंड आई हैव डिस्टर्ब एंड मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया और उसे फोर्स किया है टू डू जस्ट द अपोजिट ऑफ वॉट शी है वो जो कैट जहाँ मतलब ये जो वाइल्ड कैट है जो टाइगर टिगरे है वो जहाँ पे भी जाना चाहती थी अब उसके ऑपोजिट डरेक्शन में वो जा रही है तो नाउ द राइट स्टार्टेड फीलिंग बैड फॉर द टाइगर एवरी वन इज नाओ ऑन डेक अब सबके सब जो है शिप में ऊपर डेक पे आ गए I shout harsh instructions to to the the boatman to maintain a distance of at least 30 meters from cat. और मैं कहा कि वो जो वाइल्ड कैट है जो हमारी जो कम से कम थर्टी मीटर्स का डिस्टेंस बना के रखना And yell at him not to cut off her path. गेट अ बेटर लुक और मैंने उससे ये भी कहा कि जैसे अगर मान लो वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी जो बोट है वो यहाँ पे है तो डायरेक्शन में डिस्टेंस बना के रखो और उसके पाथ को कट मत करो वरना क्या होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी बट द कैट है अदर आइडियाज लेकिन जो हमारी ये जो कैट है जो हम कैट मतलब यहाँ हम जो टिग्रस की बात कर रहे हैं उसके तो अलग ही आइडियाज थे एज आर बोट कम्स नियर टू अल्ट तो हमारी जो बोट है थर्टी मीटर्स का डिस्टेंस मेनटेन करने के लिए जैसे वो रुक गई शी एक्चुअली बिगन्स टू स्विम बैक टू वर्ड्स अस तो वो जो ऑपोजिट डायरेक्शन पहले वो इस डायरेक्शन में आ रही थी हमारी बोट यहाँ पर थी तो जैसे ही उसने देखा कि यहाँ एक बोट है तो वो वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग गई थी लेकिन जैसे ही बोट रुक गई देन अगेन इट स्टार्टेड कमिंग बैक टू द डायरेक्शन ऑफ द बोट शी अप्रोचेज एज क्लोज एज टेन मीटर्स टू आर लेफ्ट तो वो जो था वो ऑलमोस्ट टेन मीटर्स की दूरी पर थी हमारे लेफ्ट में ग्लैंसिंग अपट अस जस्ट वंस बिफोर हैडिंग फॉर द शोर फ्राम बिहाइंड आर वेसल सो उसने हमको यहाँ पर क्रॉस किया सिर्फ वो दस मीटर की दूरी थी, पे थी और उस वक्त उसने बस एक झलक देखा हमको उसने एक ही बार ग्लैंस किया और जो पीछे जो बैंक था जो पीछे जो किनारा था वो वहाँ पर चली गई

तो उस तरीके से बड़े से पैडल के जितने उसके जो पॉज हैं वो इतने बड़े बड़े हैं प्रॉपलिंग हर फॉरवर्ड प्रॉपलिंग का मतलब है पुशिंग समथिंग फॉरवर्ड तो जब वो इस तरीके से स्विम कर रही है तो वो उसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं हर हार्ट मस्ट बी फिट टू बोस्ट फ्रॉम द एफर्ट एंड एनजाइटी उसका जो दिल है हार्ट है वो इतने एफर्ट्स और इतनी ज़्यादा एनजाइटी के कारण बस ऐसा लग रहा है बहुत फटने ही वाला लग रहा है लेकिन कितना ज़्यादा फिट होगा कि वो इतना स्विम कर पाई Avoiding a second project tiger vessel, positioned between our boat and the shore, she heads for the mud bank. अब जो था जैसे ये हमारी बोट है तो ये हमारी बोट है और हमारी बोट के साथ एक और बोट थी तो एक और बोट जो हमारी तो उसने उसको अवॉइड करते हुए अवॉइडिंग अ सेकेंड प्रोजेक्ट आएगा पोजिशन बिटवीन आर बोट एंड द शोर मतलब ये अगर शोर है तो शोर के तो ये हमारी बोट है और ये एक और बोट है इसको अवॉइड करते हुए वो यहाँ से सीधा बैंक की तरफ चली गई ग्रेट पॉज टचिंग द अर्थ दस स्ट्रगल्स मोमेंटरली इन द स्लिपरी मर्ड एंड बाउंस टेड अपन दिन ग्रोव एंडोड बाई द एमरल फॉरेस्ट ग्रेट पॉस टचिंग द अर्थ अब उसके जो बड़े बड़े पंजे हैं उसने जैसे वो पानी में उसका स्विम हो गया तो वो वापस जो है अर्थ पे आई द टेग द टैग स्ट्रगल्स मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए बस उसको वो क्योंकि वो बहुत स्वम्पी होता है स्वम्पी मतलब बहुत ही ज्यादा फिसलन होती है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है वो तो वहाँ पे वो मोमेंटरली मतलब बहुत ही कम देर के लिए वो लड़खड़ाई वहाँ पर मतलब वो जो था एकदम बस इन अ फॉर अ मोमेंट वो जो थी वो वहाँ पर डिसबैलेंस हुई एंड देन बाउंस टेल अप और उसके बाद वापस उसने अपने आप को खड़ा किया उसका टेल उसने अप किया इन टू द मैनग्रोव और वहाँ जो मैंग्रोव के पेड़ थे वो अंदर चली गई एंड स्वॉलोड बाय हर एमिरल फॉरेस्ट स्वॉलोड बाय हर एमिरल फॉरेस्ट ये एक परसोनिफाइड सेंटेंस है यहाँ पे फॉरेस्ट को ऐसा बोला जैसे उसने सॉलो कर लिया उसे मतलब एक तरीके से उसने उसको अपने में सिमट लिया हो एमरल्ड मतलब होता है ग्रीन का जो ग्रीन फॉरेस्ट है उसमें वो गई और वो वहाँ पे जाके गायब हो गई गायब मतलब अब वो अंदर चली गई है हमें नहीं दिख रहा है द होल एपिसोड टेक्स नो मोर देन थ्री और फोर मिनट्स इस पूरे इंसिडेंट को खत्म होने में सिर्फ तीन से चार मिनट लगे ड्यूरिंग विच आई एम ग्रांटेड मोमेंट्री एक्सेस इन टू द लाइफ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सीक्रेटिव मोस्ट थ्रेटन प्रीडेटर्स इस एपिसोड को सिर्फ तीन से चार मिनट लगे लेकिन इस तीन से चार मिनट में मुझे एक मोमेंट्री एक्सेस मिला किसकी लाइफ को देखने के लिए वर्ल्ड के मोस्ट सीक्रेटिव और मोस्ट थ्रेटेंड प्रिडेटर्स इसकी लाइफ में झांकने का मुझे मौका मिला उसको चार मिनट देखने का मौका मिला आई हैव सीन टाइगर्स इन द वाइल्ड स्कोर्स ऑफ टाइम्स अक्रॉस इंडिया मैंने बहुत सारे टाइगर्स देखे हैं जंगलों में मतलब स्कोर्स ऑफ टाइम्स मतलब मैनी टाइम्स इन इंडिया but for some reason that I cannot quite explain, this experience leaves me marked for life. लेकिन कोई reason है जो मैं शायद समझा नहीं सकता ये जो experience है ये जिंदगी भर के लिए मेरे heart में रह गया है मार्क्ड मी फॉर लाइफ मतलब आई एम गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर माई एंटायर लाइफ The Sundarbans is a border's paradise and before daylight faded I found myself identifying birds Comparing their beaks with the foods they sought. अब जब ये पूरा उनका इंसिडेंट खत्म हो गया so now they are back on track. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं सुंदरबंश एक बर्डर्स पैराडाइज है मतलब जिनको बर्ड्स पसंद है उनके लिए तो पैराडाइज है वहाँ पे बहुत सारी वेराइटी की बर्ड्स रहती हैं तो उसने बोला कि और जैसे ही डे लाइट फेड हो रही थी मतलब जैसे शाम होने वाली थी तो आई फाउंड माई सेल्फ मतलब दिन भर बर्ड्स देख के अब मैं क्या डिस्कस कर रहा था अलग अलग बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा था उनकी बीक्स को कंपेयर कर रहा था वो अलग अलग क्या फूड

ये जो है कुछ बर्ड्स हैं जो बहुत अंदर तक अपनी बीक लेके जाती हैं जैसे ये बर्ड्स हैं ये बहुत अंदर इनकी बीक देखो इनकी बीक कितनी ज़्यादा लॉन्ग है तो ये बहुत अंदर तक अपनी बीक लेके जाके उसमें से स्नेल्स होते हैं छोटे छुट छोटे कीड़े जो होते हैं उनको खा लेती है सिमिलरली जो क्रस्टेशंस और सैंड पाइपर्स होते हैं इनकी बीक उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन ये उसके बाद ये क्या करते हैं जो थोड़े एकदम डीप नहीं जाते शैलो पोर्शन के जो इंसेक्ट्स होते हैं अर्थ वर्म्स होते हैं उनको खा लेते हैं so and then brown winged kingfisher waited patiently for the fish or crab to come within striking distance before sweeping down on them like multicolored street bombers और जो ब्राउन विंग किंग फिशर बर्ड जो होती है वो फिश का बहुत ही पेशेंटली वेट करती है या क्रैप का बहुत पेशेंटली वेट करती है और जैसे ही उसको लगता है कि शायद अब वाटर में ऊपर साइड में फिश आ गई है या क्रैप आ गई है तो तुरंत जो है वो सूप डॉन करती है मतलब एकदम अटैक करती है जस्ट लाइक स्टेल्थ बॉम्बर्स स्टेल्थ बॉम्बर्स आर दीज बॉम्बर्स जो कि फाइटर प्लेन्स होते हैं ऑन स्लिक मड बैंक दैट मेल्ट लाइक चॉकलेट इन टू द वॉटर अब यहाँ वो बोल रहे हैं जो स्लिक मतलब बहुत ही जो ग्लॉसी और स्लिपरी चिकनी मिट्टी जो होती है तो ऑन स्लिक मड बॉटर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं मर्ड्स होते हैं है, जए चिकनी मिट्टी होती है ऐसा लगता है चॉकलेट की तरह जो मेल्ट हो रही है उसमें से ना बीच बीच में कभी आपको क्रोकोडाइल्स दिखते हैं कभी मोनिटर लिजर्ट दिखते हैं मर्ड्स और फिडलर क्रैब्स जो होते हैं मड कीपर्स क्या होते हैं अब यहाँ पे दीज आर मड स्कीपर्स नो दिजिस सो के केपर्स क्या होते हैं अ फिश डैट कैन सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड सो जो मट्स के पर्स होती हैं वो एक फिश होती है जो लैंड पे भी रह सकती है और पानी में भी रह सकती है सो के केपर्स और जो फिडलर क्रैप्स होते हैं छोटे छोटे क्रैप्स होते हैं अगर आप कभी भी सी शोर में गए होगे तो आपने देखा होगा जैसे ही पानी आता है तो वो सब अंदर चले जाते हैं जैसे ही पानी जाता है तो वो वापस बाहर आ जाते हैं फिर पानी आता है वो सब अंदर चले जाते हैं सो so, ये ऐसा लग रहा था कि अर्थ के जूल्स हैं मतलब ये पूरी जो पूरी जो है ये ज्वेलरी है जो आती है फिर चली जाती है अ स्नैक पेंस टेकिंगली मेड इट्स वे टूवर्ड्स अ गैदरिंग ऑफ मर्ट्स कीपर्स अब यहाँ पर बहुत सारे मर्स कीपर्स थे तो एक स्नैक ने बहुत ही केयरफुली जो है अपना रास्ता बनाया उनको जाके खाने के लिए बट लॉस इट्स चांस एट द वेरी लास्ट मोमेंट वेन द फिश स्पेशली फॉर मूवमेंट ऑन लैंड डार्टेड अवे तो लेकिन क्या हुआ लास्ट मोमेंट पर जब वो अटैक करने ही वाला था वो सब जाके छुप गए क्योंकि उनकी जो है उनका मूवमेंट ही उनका जो है प्लस पॉइंट है तो दे ऑल डार्टेड अवे मतलब वो तुरंत वहां से चले गए दिस अटली फ्रेजाइल स्ट्रेंज एंड मैजिकल इकोसिस्टम इज जियोलॉजिकली न्यू एंड स्टिल इवॉल्विंग ये जो एक अटली फ्रेजाइल मतलब फ्रेजाइल कोई सी चीज होती है जो ईजी टू ब्रेक तो यहाँ पे जो अटर्ली फिजाइल ये जो एक नाजुक सा स्ट्रेंज मैजिकल इकोसिस्टम है जहाँ बर्ड्स हैं जहाँ टाइगर्स हैं जहाँ पे इतने सारे सी एनिमल्स हैं दे आर लाइक जियोलॉजिकली न्यू मतलब ये एकदम नए हैं एंड दे आर स्टिल इवॉल्विंग वो अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं रिवर्स एंड टाइट सर्क्यूलेट न्यूट्रिय लाइक अ अ शेफ माइट ग्रेट सूप विथ नथिंग वेस्टेड जो रिवर्स हैं टाइट्स हैं ये सर्कुलर मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करती हैं, इनका मतलब इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ऐसा लगता है जैसे कि कोई शेफ़ जो है किस तरीके से एक सूप को स्टिर करता है उसके अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला देता है सिमिलरली जो रिवर्स हैं और जो टाइड्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला देती हैं एज लिविंग क्रिएचर्स जॉइन द बेंथिक फ्लोरा इन मेटाबोलाइ मेटाबोलाइजिंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक क्योंकि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं दे जॉइन द बेंथिक फ्लोरा बेंथिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू क्रिएचर्स लिविंग इन द बॉटम ऑफ द बॉडी ऑफ वॉटर तो यहाँ जो वाटर की बॉडी में एकदम जो नीचे जो क्रिएचर्स रहते हैं ये सारे जो हैं दे जॉइन द फ्लोरा ये क्योंकि metabol, जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है इट इज़ लाइक द सेट ऑफ लाइफ सस्टेन करना केमिकल्स रिएक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको मेटाबोलाइज करना मतलब आपको अडेप्ट करना जो आपके आस पास सारे चेंज हो रहे हैं विच इज़ एवरीथिंग ऑर्गेनिक तो इसका पूरे का मतलब ये है कि वहाँ जो रिवर्स हैं जो टाइट्स हैं वो इन सारी चीज़ों को सर्क्यूलेट कर रही है न्यूट्रिय को सर्क्यूलेट कर रही है घुमा दे रही है विथ नथिंग वेस्टेड जिसमें कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है जिसमें जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो इन सब फ्लोरा को ज्वाइन कर

येलो ऑरेंज हो रहा है हवा जिस तरीके से चल रही है पेड़ हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि उसमें पूरी हवा में ड्रामा जो है इंस्टिल हो गया है अबव मी कम्पीटिंग विथ स्विफ्ट फॉर द बाउंड्री ऑफ एन इंसेक्ट स्टॉक स्काई पिगमी पे पिस्टल्स स्कैन द होराइजन अब वो बोल रहे हैं मेरे जस्ट ऊपर मतलब मेरे जस्ट ऊपर कंपीटिंग विद स्विफ्ट फॉर द बाउंड्री ऑफ एन इंसेक्ट स्विफ्ट क्या है यहाँ पे स्विफ्ट मतलब तो okay? so, यहाँ पे इतने सारे जो है ना इंसेक्ट है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए बाउंड्री मतलब क्या होता है तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किल किया तो देट देट टू ईट दूस तो मेरे ऊपर कंपीटिंग विद स्विफ्ट फॉर द बाउंटी ऑफ एन इंसेक्ट मेरे ऊपर बहुत सारे स्विफ्ट बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं पिग्मी पिपिस्टल्स कैन द होराइजन और पिग्मी पिपिस्टल्स हैं या पिग्मी पिपिस्टल्स क्या होते हैं छोटे छोटे बैट लाइक -like क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि ये दिस इज अ पिग्मी पिपिस्टल तो ये छोटे छोटे जो हैं बैट लाइक -like क्रिएचर्स होते हैं ये सब मेरे ऊपर हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर फूड क्लियरली ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड एज डार्कनेस डिस्टेंस और तभी जो है रात हो जाती है ऑन घाजी खाली वेर वी ड्रॉप एंकर फॉर द नाइट अब घाजी खाली जो है ये भी वहाँ पर एक रिवर है और यहाँ पे वो अपना एंकर जो है ड्रॉप कर देते हैं मतलब पूरा दिन उनका ख़त्म हो जाता है जहाँ वो बर्ड्स देखते हैं डिफरेंट सी क्रिएचर्स देखते हैं टाइगर स्पॉट करते हैं एंड फाइनली दिन ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी बोट को वहाँ पार्क कर देते हैं एंकर ड्रॉप कर देते हैं एंकर ड्रॉप करना मतलब एंकर को अटका दिया अब आपकी बोट कहीं नहीं जाएगी अब इसमें जो सेकेंड इंसिडेंट था ये पहला जो इंसिडेंट था यहाँ पे वो बताते हैं किस तरीके से उनका इंकाउंटर हुआ इस मैग्निफिसेंट बीस्ट के साथ अब ये जो सेकेंड कौन इंसीडेंट वो बता दें हैं यहाँ वो बता दें किस तरीके से टाइगर्स जो हैं उनको वो इंडेंजर होते जा रहे हैं मतलब दे आर इंडेंजर्ड वाइड वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ह्यूमस का इंट्रूजन इतना ज़्यादा है तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन के इंट्रूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं

तो जैसे ही बाय द टाइम जब तक हम मार्थलाफो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट पहुंचे हमारे सारे जो एकदम कि वाह जंगल है कितना ब्यूटीफुल ये सारे कॉन्सेप्ट जा चुके थे हियर स्कोर्स ऑफ लेबरर्स वर बिजी हैकिंग अ ह्यूज स्वीट वाटर पॉन्ड आउट ऑफ द मैनग्रोव स्व यहाँ पे स्कोज मतलब अ नंबर ऑफ लेबरर्स वो बिजी हैकिंग अ स्वीट वाटर स्वीट वाटर पॉन्ड मतलब यहाँ जो है जो सुंदरबन का पूरा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा स्वैम्पी लैंड है मतलब दलदल जैसा एरिया है वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मार्शी लैंड है वो तो वहाँ पे वो लोग स्वीट वाटर पॉन्ड को हैक करने के लिए आए थे इसका मतलब क्या है जो मैंग्रोव है मतलब ये बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं इसके बीच में एक स्वम्प है वहाँ पे अगर आप ऊपर का हटा देते हो तो नीचे आपको फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वो लोग उसको हैक करने आए थे आई वॉन्टेड वाई

फ्लीट का मतलब होता है इट्स अ कलेक्टिव नाउन कलेक्ट फ्लीट मतलब अ ग्रुप ऑफ शिप्स तो या अ ग्रुप ऑफ बोट्स तो ये जो फ्लीट था फिशिंग बोट्स का इनको वो इंस्पेक्ट करने आए थे अब ये किसकी बोट्स थी लेडन विथ लॉक्स द बोट्स हैड बीन फ्रॉम वुड पोचर्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये जो जितनी भी बोट्स थी ये सब लॉग से भरी हुई थी मतलब जो पोचर्स होते हैं उन्होंने पोचर्स मतलब जो इलीगल हंटर्स होते हैं उन्होंने ये जो है पेड़ काट काट के क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है पेड़ों की मतलब लॉक की वुड की तो उन्होंने इन पेड़ों को काट काट के पूरे बोर्ड्स को मतलब देवर लोडेड और वो उसको जो है कहीं स्मगल कर रहे थे लेकिन जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने इसे कॉन्फिसिकेट कर लिया मतलब उन्होंने इसे जब्त कर लिया और दे इज रैन अवे तो यहाँ पे जो इतनी सारी बोट थी इनको इंस्पेक्ट करने के लिए आए थे ये लोग देर आर ऑलमोस्ट थ्री लैक पीपल हु द सुंदरबन स्वैम्स टू ईट आउट लिविंग ईच डे एंड सम क्लियरली आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद फार्मिंग ऑफ फिश ऑलमोस्ट तीन लाख लोग हैं हु मतलब सर्च थरोली द सुंदरबन स्वैम्प्स जो पूरे सुंदरबन के जो स्वैम्प होते हैं उसको पूरे टाइम देखते रहते हैं सर्च करते रहते हैं टू ईक आउट टू सर्वाइवर लिविंग ईच डे एंड सम क्लियरली आर नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद फार्मिंग और फिशिंग मतलब ये लोग जो हैं ये बस ये देखते रहते हैं कि कोई यहाँ पे कोई पोचर तो नहीं आया है कोई इलीगल जो है यहाँ पे स्मगलिंग तो नहीं हो रही है उनकी लिविंग इस तरीके से चलती है एंड दे आर सो मच इन लव विद द फॉरेस्ट दैट दे डू नॉट वॉन्ट टू डू फिशिंग और दे डू नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग एनीमो एट दिस वेट द फॉरेस्ट विल सून वैनिश अब इतने जो पोचर्स आ रहे हैं तीन लाख लोग जो हैं वो लोग जो हैं लगे हुए हैं कभी यहाँ पे थ्री लाख लोग वो हैं जो अपनी लिविंग के लिए कभी कुछ लेके जा रहे हैं फॉरेस्ट से कभी कुछ चुरा रहे हैं फॉरेस्ट से तो मैंने जो पहले कहा कि वो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं वो इधर से कभी वो किसी को हंट कर रहे हैं कभी वो यहाँ से जो है आ, नाकोटिक्स जो है वो वहाँ पर उसमें डील कर रहे हैं या वो भी वुड चुरा रहे हैं या वो जो है जूठ चुरा रहे हैं तो इसी स्पीड में अगर हुआ हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे आई थॉट डार्कली सोल्ड टू द हाइस्ट बिडर जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा लोग उसको जाके सब बेच देंगे

तो जैसे यहाँ पे माउथ ऑफ़ द रिवर में जो एकदम ट्राएंगुलर जो डिपॉजिट होता है तो जो एक पूरा जो एक एक तरीके से आइलैंड जैसा बन जाता है एक डेल्टा जैसा बन जाता है तो एक डेल्टा एक पैच है ये लो लाइंग मड का एंड सिल्ट तो लो लाइंग मड मतलब जो धस जाती है मिट्टी वो और उस, उसके साथ जो रेत होता है इसके कॉम्बिनेशन का ये पूरा जो सुंदरबन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बहुत मार्शी लैंड है स्वैम्पी लैंड है मतलब ये एकदम धस जाता है इट्स अ ट्रॉपिकल एस्टोराइन स्वम्प फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एस्टोराइन एस्टोराइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू द माउथ ऑफ अ लार्जर रिवर वेयर इट मीट्स द सी तो ये एक स्वैम्प फॉरेस्ट है जहाँ पे 65 से ज़्यादा मैनग्रोव के वैराइटीज़ हैं जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं उसमें 65 से ज़्यादा वरायटी है इसीलिए इसको मोस्ट बायोडाइवर्स मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में सो so, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायो मैंगोव मैनग्रोव की वराइटीज़ हैं इसीलिए इसको मोस्ट बायोडाइवर्स मैनग्रोव कहा जाता है न्यूट्रेंस पोर इन टू दिस फूड फैक्ट्री फ्राम ऑल साइज एट Flood waters from both the Ganges and the Brahmaputra mix and merge with the southern ocean tides to carve ever shifting creeks and channels. फूड फैक्ट्री कह कहा गया है अब वो कह रहे हैं इसमें जो है न्यूट्रिय कहाँ से आते हैं फ्रॉम ऑल साइड एट फ्लड वॉटर्स फ्रॉम बोध दंगा ब्रह्मपुत्र मिक्स अब यह जैसे सुंदरबन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे हर तरीके से जो है हर जगह से पानी आ रहा है और ये कौन सा पानी है द ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है तो इसका जो फ्लड वाटर जो दोनों ही दोनों ही रिवर का जो फ्लड वाटर होता है इट मिक्स एंड मर्ज विद द सदर्न ओशन टाइड्स ये दोनों पानी जो है सदर्न ओशन टाइड्स से मिक्स होते हैं टू काव एवर शिफ्टिंग क्रीक्स। अब जो यहाँ पे जो है थोड़े छोटे जैसे मतलब छोटे छोटे जो हैं क्रीक्स हुए चैनल्स हुए उसके थ्रू ये फॉरेस्ट में एंटर करते हैं एक तरीके से इसको आप जैसे हमारी बॉडी में वेंस और आर्टरीज होती है जिसके थ्रू पूरे जो जो नसें होती हैं बेसिकली जिसके थ्रू पूरा खाना ट्रैवल करता है उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एवर शिफ्टिंग क्रीक्स और चैनल्स हैं छोटे छोटे नदी के यही इनका जो है आर्ट्स और वेंस और आर्टरीज का काम करता है जो कि इसको फूड सप्लाई करता है Humans are not really welcome in the Sundarbans and life can be hard and very dangerous for them unless, of course, they happen to be traveling in the comfort of tourist vessels. अब वो बोल रहे हैं कि सुंदरबंद में humans are not welcome और life यहाँ पे बहुत hard और बहुत ज़्यादा dangerous हो सकती है unless obviously अगर आप well protected tourist boats में travel कर रहे हो

वो सिर्फ वही उसी एरिया में रह रहे हैं क्योंकि वहां पे ग्राउंड सॉलिड है मार्शी नहीं है धंसने वाला नहीं है और मैन मेड डाइक्स मतलब क्या होता है अ लॉन्ग वॉल और एम्बैंकमेंट टू प्रिवेंट फ्लडिंग फ्रॉम द सी मतलब बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं कि अगर सी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है फ्लड आ रहा है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके दिस इज प्रोबेबली द ओनली टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन विच देर आर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेजेस और ये जो है पूरे इंडिया में शायद एक ही टाइगर रिजर्व ऐसा है जहाँ पे परमानेंटली कोई विलेज सेटल नहीं हुआ है मतलब लोग परमानेंटली सेटल नहीं होते हैं दिस इज द अल्टीमेट लैंड ऑफ द टाइगर यहाँ पे ह्यूमंस रहते ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ टाइगर्स रहते हैं दो ह्यूमंस आर नॉट सेटल्ड हियर दो ह्यूमंस जो हैं वो यहाँ सेटल नहीं होते दे पोर इन टू द स्वैंप ऑन एवरी डे दैट द वेदर अलाउस। तो जो भी वेदर अलाउ करता है ये पूरा उनके जो स्वैम्प में पोर करते जाते हैं ये खुद उसके थ्रू आ जाते हैं दिस सेट्स अप अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट

इन अ वे जो टाइगर्स और ह्यूम्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से टाइगर्स भी मज़े आए हैं और ह्यूमन्स भी मज़े आए हैं सो दैट इज इट फाइनली वी आर डन विद द चैप्टर रीडिंग ऑफ वेयर टाइगर्स स्विम सो आई होप यू अंडरस्टेंड द एक्सप्लेनेशन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी Please visit our website, which is magnetbrains.com. It is very easy to find all the chapters here. So, you can just go click on the class, like class 7, you have clicked. Then, you can just select the subject, select the topic. Chapter wise, all the topics have already been listed over here, and then you, your video will start. That's it. Do not forget to like, subscribe, and share. Take care. Bye bye.